अगर आपको दोपहर के 2 से 5 बजे के बीच बहुत ज्यादा नींद आती है तो साइंटिस्टों के हिसाब से आप बहुत जल्दी मर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ये है रंजन दास, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी SAP के CEO। हर दिन वर्कआउट पे जाना, रेगुलरली जॉगिंग करना, हमेशा हेल्दी खाना ही खाना, इवन मैराथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ किया एंड ही सीम्ड कंप्लीटली फिट फ्रॉम इनसाइड आउट। बट देन एक दिन 21st October 2009 को अचानक से खबर आती है कि जब वो जिम से घर लौट रहे थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यस, एक कंप्लीटली एथलेटिक इंसान जो जॉगिंग जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस रेगुलरली किया करता था, जिसने मैराथॉन्स में भागने तक के लिए अपने हार्ट को ट्रेन कर दिया था, वो इंसान कम उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गया। और वजह, ही स्ट्रांगली बिलीव्ड कि फिट और फ्रेश फील करने के लिए रोजाना बस सिर्फ 4 घंटे की ही नींद जरूरी होती है। बट क्या कम सोने की वजह से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है? कैसे एक हेल्थ कॉन्शियस CEO ने इतनी बड़ी बात मिस कर दी? वेल, आपने डे लाइट सेविंग के बारे में सुना होगा। USA में मार्च महीने में क्लॉक्स को 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है ताकि समर सीजन में दिन के समय को लंबा किया जा सके। घड़ियों को 1 घंटा आगे 2 मार्च रात को 2 बजे किया जाता है और लोगों को उस एक दिन 1 घंटा कम सोने को मिलता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ उस 1 घंटे कम नींद की वजह से हार्ट अटैक्स 25% से बढ़ जाते हैं और 2 दिनों तक 25% से बढ़े रहते हैं। आई रिपीट, सिर्फ 1 घंटे कम स्लीपिंग टाइम के वजह से। अच्छा, इसका रिवर्स भी होता है। नवंबर को जब 1 घंटे ऐड होते हैं तब हार्ट अटैक्स 22% से कम हो जाते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? दुनिया के सभी स्लीप साइंटिस्ट का एक ग्रुप है कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल स्लीप सोसाइटीज। उनकी एक रिपोर्ट में उन्होंने ये रिवील किया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उन्हें यूजुअली 2 स्पेसिफिक टाइम स्पैम्स में बहुत ज्यादा नींद आती है। एक 2 से 7 AM के बीच और दूसरा 2 से 5 PM के बीच। अब इसमें एक वियर्ड पैटर्न देखना, मोस्ट ऑफ दी हार्ट अटैक केसेस में लोग इन्हीं टाइम स्पैम्स में ही सबसे ज्यादा मरते हैं। अब इन्हीं सारे वियर्ड पैटर्न्स को देखकर सबसे पहले सभी साइंटिस्टों को यही लगा कि ये कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, संयोग हो सकता है। लेकिन अभी पिछले साल अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल ने जब 243 हार्ट पेशेंट्स का एक सर्वे किया तब उन्हें पता चला कि करीब 37% हार्ट पेशेंट्स में उनके कंडीशन की वजह थी इनएडिक्वेट स्लीप। इवन द यूरोपियन हार्ट जर्नल ने 8 अलग देशों के 4,70,000 लोगों पर हुए एक स्टडी को जब रिलीज किया उसमें पता चला कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं हार्ट डिजीजेस से मरने के चांसेस डायरेक्टली 48% से बढ़ जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक से मरने के चांसेस 15% से। यानी कि पॉइंट यह है कि अगर आपको दोपहर में बहुत तेज नींद आती है तो यह आपके बॉडी का एक नेचुरल अलार्म साइन है कि आप सीवियरली स्लीप डिप्राइव्ड हो और आपका हार्ट कमजोर होना शुरू हो चुका है। अब क्या आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप कभी 1 या 2 दिन ठीक से नहीं सोते हो तो आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि आपने दारू पिया हुआ है। यू नो, एकदम स्लो एंड कंफ्यूज्ड, दिमाग भी शार्प फील नहीं होता और अपने रेगुलर कामों को अच्छे से भी नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वेल, बहुत पुरानी बात है। साल 1894 में एक रशियन साइंटिस्ट मैरी डे मानसीना ने कुछ पपीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पपीज को जानबूझकर कई दिनों तक सोने नहीं दिया, उनसे लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाकर उन्हें जगाए रखा ताकि ना सोने पर या कम सोने पर उनके शरीर के अंदर क्या होता है ये वो समझ सके। पता चला कि खेल कूद और अच्छा खाना पीना देने के बावजूद वो सारे के सारे पपीज महज 1 से 2 हफ्तों में ही मर गए एंड कॉज ऑफ डेथ का पता चला कि उनके दिमाग में जगह जगह पर लीजन्स यानी कि छाले पड़ चुके थे। अब ये छाले कैसे पैदा हुए और क्या इंसानों में भी कम सोने की वजह से ऐसे ही छाले पैदा होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब हम साइंस डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट द हार्ट बट ऑल्सो द ब्रेन जिसे कम नींद डायरेक्टली डैमेज करती है। इनफैक्ट इसी से जुड़ी हुई एक नई स्टडी बताती है कि हर साल लिटरली सिर्फ 1% से भी अगर आपके डीप स्लीप का टाइम कम होता है तो उससे आपके ब्रेन डैमेजिंग बीमारियां जिसके अल्जाइमर्स और डिमेंशिया होने के रिस्क 27% से बढ़ जाते हैं। अब मैंने नींद नहीं लेने की वजह से दारू पीने जैसी फीलिंग आने की बात की थी ना, ये है वो रिसर्च। ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की रिसर्चर एन विलियमसन के अनुसार सिर्फ 17 घंटे तक जगे रहना भी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अल्कोहल पीने जितना घातक होता है। ऑस्ट्रेलियन परमिसिबल लिमिट इंडियन लिमिट से ज्यादा है, सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यू आर प्रैक्टिकली ड्रंक। अब हाल ही में जो पुणे में पॉश वाला एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें गाड़ी ठोकने वाला ड्रंक था
जिस वजह से दो बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, राइट। लेकिन जो चीज लोग अब भी रियलाइज नहीं कर रहे वो ये है कि इंडिया में हर साल ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से तो सिर्फ 11% ही लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, मगर नींद में गाड़ी चलाने से करीब 40% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, यानी कि लगभग 4 गुना ज्यादा। और अल्कोहल को लेकर तो हमने कानून बना रखे हैं, बट व्हाट अबाउट लैक ऑफ स्लीप? कितने ही ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स लगातार 18 से 20 घंटों की शिफ्ट्स में ड्राइविंग करते रहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कुछ तो इवन 1-2 दिन भी नहीं सोते हैं नॉनस्टॉप, और फ्रीली हाईवेज में बड़ी गाड़ियां चला रहे होते हैं। I mean, जरा सोच कर देखो, हम जब भी हाईवेज पर निकलते हैं एक तरह से चलते फिरते कॉफिन्स के बीच मूव कर रहे होते हैं, जिनमें से एक पर कभी भी हमारा नाम लिखा हो सकता है। अब देखो, क्योंकि इस पर लॉज नहीं है, इसीलिए अवेयरनेस और एजुकेशन से ही ये बेहतर होगा, जिसके लिए हर एक इंडियन को साइंस बिहाइंड स्लीप को समझना होगा कि कैसे लैक ऑफ स्लीप बॉडी में कितने ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो, लेकिन उसका रूट कॉज ही आपको शायद पता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे हर कुछ दिनों में मेरे जीभ में छाले हो जाते थे, जो 4-5 दिनों तक खूब दर्द देते थे। जिन्हें होते हैं उन्हें दर्द पता होगा, बेसिकली काम करना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपका मेरी तरह बोलने का काम हो तो। अब मुझे शुरुआत में लगा कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की शायद कमी होगी, तो मैंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, बट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। और फिर एंड में मैंने डिस्कवर किया कि अगर कभी मैं 2 दिन लगातार ठीक से सो नहीं पाता या मेरी स्लीप इफेक्ट होती है तो मुझे जीभ में छाले आने लगते हैं। सो ऐसे कितने ही प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं जिनका सलूशन एकदम सिंपल है, स्लीप को एक प्रायोरिटी बनाना। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, एस्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सोने में दिक्कत होती है। हर इंसान अपनी 1/3 लाइफ सोते हुए बिताता है, और इसीलिए सभी को इसके बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। आज आपके नींद से जुड़े सभी सवाल यही वीडियो में आंसर होंगे। आज इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद सिंपल है, नींद की इंपॉर्टेंस आपको बताना और नींद से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब यहीं पर आंसर करना। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्लीप हमारे शरीर के लिए बायोलॉजिकली स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्यों है। आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। रात के अलावा हमें दोपहर में 2 से 5 बजे के बीच क्यों नींद आती है, कैसे नींद जैसी एक सिंपल सी एक्टिविटी से इतनी सारी बीमारियां कनेक्टेड है, और कैसे आप एक पावरफुल स्लीपिंग टेक्निक द मिलिट्री स्लीप मेथड को यूज करके सिर्फ 2 से 7 मिनट के अंदर ही तुरंत नींद ला सकते हो। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और मिलिट्री वाले यूज भी करते हैं। अपने आप को लिटरली सेल्फ हिप्नोटाइज करके पथरीली जमीन, पेड़ पौधों के बीच, गोलियों की आवाज में डर और एंग्जाइटी के बीच कहीं पर भी नैप लेने के लिए। सो ये टेक्निक भी हम सीखेंगे। और साइंटिफिकली स्पीकिंग सिर्फ स्लीप टाइम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि स्लीप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोग इस चीज पर फोकस ही नहीं करते। एक 6 घंटे की क्वालिटी डीप स्लीप 9 घंटे के शैलो स्लीप से बेहतर होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, जरा ये सर्वे देखना। 1/3 कपल्स जिन्होंने रिसेंटली डाइवोर्स लिया, उनके डाइवोर्स के पीछे की भी वजह लैक ऑफ स्लीप निकली। यूजुअली फैमिलीज में ना हस्बैंड और वाइफ साथ में सोते हैं, और अगर आप भी किसी के साथ बेड शेयर करते हो तो आपको पता होगा अगर आपका पार्टनर थोड़ा भी हिलता डुलता है तो आपकी भी नींद ब्रेक हो जाती है। आपको रिजल्टिंगली सिर्फ शैलो ही नींद मिलती है जो आपको दिन भर ग्राउची और इरिटेटेड बनाती है, जो कपल्स में फिर रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करता है। इनफैक्ट क्या आपने स्लीप डाइवोर्सेस के बारे में सुना है? मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में तो रहते हैं मगर साथ में सोते नहीं है इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से। एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका जैसे मॉडर्न कंट्री में 43% मिलेनियल्स, 33% ऑफ जेन एक्स, 28% ऑफ जेन जी और 22% ऑफ बेबी बूमर्स स्लीप डाइवोर्स ले चुके हैं। अब एक कंपनी है फ्लो मैट्रेस जो इसी प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन लेकर आई है, फ्लो एंटी ग्रेविटी मैट्रेस, जिसका मेन USP है कि अगर आपका पार्टनर नींद में बहुत टर्न और मूव करता है तो आपको इस मैट्रेस में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इनफैक्ट इनका तो ये तक क्लेम है कि अगर आप एक साइड में पानी का ग्लास रखते हो और दूसरे साइड इस मैट्रेस पर खुद भी जंप करते हो तभी भी पानी का ग्लास बिल्कुल नहीं गिरेगा। चलो इनके इसी क्लेम को टेस्ट करके देखते हैं। So, ये मैट्रेस इन्होंने मुझे शिप किया था, मैंने गलती से ऑफिस का एड्रेस डाल दिया था तो मुझे वहां से उसे घर पे लेके आना पड़ा, लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि कॉम्पैक्टली नीटली पैकेज्ड वैक्यूम सील्ड पैक में आता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये मैट्रेस 100% नेचुरल लेटेक्स से बना हुआ है और इसे एंटी ग्रेविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट एवर मैट्रेस है जिसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको ग्रेविटी का डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स फील ही ना हो और ऐसे लगे मानो आप पानी में फ्लोट हो रहे हो। इसका फोम एकदम परफेक्ट मिड पॉइंट पर है, मतलब ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं और एकदम हार्ड भी नहीं, परफेक्ट सेंटर पॉइंट पे जो आपके लेटते ही आपके बॉडी के हिसाब से शेप ले लेता है ताकि आपको बैक पेन, नेक पेन के इश्यूज ना हो।
वो वाकई में नहीं गिरा। एक्चुअली मैं इसीलिए क्योंकि ये एक यूनिक मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे पानी का ग्लास ही अगर नहीं गिरा तो पार्टनर के हिलने से आपको डिस्टर्ब होगा इसके चांसेस ही नहीं है। ऑल्सो यार, हमारी स्किन पूरे दिन डस्ट पॉल्यूशन केमिकल से सराउंडेड रहती है और इसीलिए जरूरी है कि एटलीस्ट सोने के टाइम 7 से 8 घंटे तो हमारी स्किन को ब्रेक मिले। और इसीलिए फ्लो मैट्रेस का टॉप कवर चारकोल इन्फ्यूज जेल से बना हुआ है, विच मेक्स इट एब्सोल्युटली एंटी एलर्जिक एंड टॉक्सिन फ्री फॉर योर स्किन। अगर गलती से कुछ इस मैट्रेस पर गिर भी जाता है तो डोंट वरी, इसका टॉप कवर जिपर्ड है जिसे आप इजीली रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो। ऑल्सो ये काफी अफोर्डेबल भी है। इसके पहले जो मेरा मैट्रेस था वो कुछ 35,000 तक का था, लेकिन इस मैट्रेस का स्टार्टिंग प्राइस कुछ 4,500 रुपीज है, जिसे आप इंटरेस्ट फ्री EMI ऑप्शंस में भी ले सकते हो। इसको ऑर्डर करना भी काफी सिंपल है, आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है, एंटी ग्रेविटी टाइप करो अगर आपको वो चाहिए जो मेरे पास है, फिर ऑर्थो जो थोड़ा फर्म होता है जो कि बैक पेन के लिए है, और अर्गो यानी मेमोरी फोम वाला जो काफी सॉफ्ट होता है। इन तीनों वेरिएंट्स में से एक चूज करना है और फिर फाइनली साइज सिलेक्ट करना है। आप इसे अपने बेड के साइज के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो एंड दैट्स इट। ये अपने आप 3 से 5 दिन में आपके घर में ही डिलीवर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लो मैट्रेस आपको 100 नाइट्स का रिस्क फ्री रिटर्न पॉलिसी और 10 ईयर्स की वारंटी देता है। यानी कि 100 नाइट्स के अंदर अगर आपको मैट्रेस का साइज एक्सचेंज करवाना है या कोई डिफरेंट वेरियंट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, और अगर आपको रिटर्न ही करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। सो रियली यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। आई स्ट्रांगली बिलीव एक अच्छा मैट्रेस आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हम 1/3 लाइफ सोते हुए बिताने वाले हैं। सो इस एक चीज में तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब वापस से लौट आ जाते हैं हमारे स्लीप के इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिकली स्पीकिंग आखिर नींद हमें आती ही क्यों है। अगर जंगल में हम रह रहे होते तो 8 घंटों के लिए हम कमजोर हो जाते और कोई भी परभक्षी हमारा आसानी से शिकार कर सकता था, तो ये ट्रेट आखिर इवॉल्व ही क्यों हुआ। सो बेसिकली हमारा शरीर एक मशीन ही है, एक सिस्टम। इसे एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह समझो, जिसे रेगुलरली सर्विसिंग, क्लीनअप और रीसेट की जरूरत पड़ती है। अब लेट्स से एक कंप्यूटर में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर अचानक से सर्विसिंग मोड या सॉफ्टवेयर अपडेट पर तो नहीं चले जाता ना। कुछ इसी तरह हमारा शरीर भी ऐसे ही इवॉल्व हुआ कि उसने 24 आवर्स में से एक सेपरेट समय निकाल लिया फॉर दिस पर्पस, और उससे कुछ समय पहले से ही वो हमें वार्न करने लग जाता है कि अब सर्विसिंग मोड एक्टिवेट होने वाला है, विच मीन्स हमें नींद आने लगती है। अब स्लीप में हमारा शरीर हजारों काम करता है, लेकिन इन सभी कामों को हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीसेट या रिबूट, सेकेंड ग्रोथ एंड रिपेयर, और थर्ड मेमोरी कंसोलिडेशन। सो स्लीप के यही 3 मेजर पर्पसेस है जो हमारे हेल्थ का लाइफ ब्लड है, और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यही 3 फंक्शंस के पूरा नहीं होने की वजह से होते हैं। अब ये स्लीप का पूरा साइकिल निर्भर करता है मेजरली सिर्फ एक मेन सिस्टम पर, ये है हमारे शरीर का सर्कैडियन रिदम, जिसका बिगड़ना ही सारे स्लीप प्रॉब्लम्स का मेजर जड़ हो सकता है। हमारा सर्कैडियन रिदम पूरा डिपेंडेंट है सनलाइट पर। जैसे जब सूरज उगता है, सूरज की रोशनी हमारी आंखों के फोटोरिसेप्टर्स पर पड़ती है और बॉडी कॉर्टिसोल यानी कि वेकअप हार्मोन क्रिएट करने लगता है, और फिर रात में जब सूरज ढल चुका होता है और आसपास की लाइट कम हो जाती है तो हमारी आंखें लाइट के एब्सेंस को डिटेक्ट करके ब्रेन को बताती है, और हमारा ब्रेन फिर स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन सेक्रीट करता है। इस हार्मोन के असर से हम ड्राउजीनेस फील करते हैं, और शरीर से वाइटल चीजें जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, किडनी फिल्ट्रेशन और उन्हें कंट्रोल करने वाले ब्रेन सिस्टम्स को ही चालू रखकर बाकी सभी प्रोसेसेस को टोन डाउन करने लगता है और हमें नींद आने लगती है। यही वजह है कि हमने स्लीप वाले ग्राफ में देखा था कि 2 to 7 AM के बीच हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन हमारे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के वजह से यही नेचुरल सर्कैडियन रिदम सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। इंडिया में स्मार्टफोन्स पर ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम आज वर्ल्ड में सबसे हाई है, मोर देन 4 आवर्स पर डे, और ये यूजेज मोस्टली रात को ही होता है। स्मार्टफोन से वही ब्लू लाइट निकलती है जो दिमाग को मैसेज भेजती है कि सुबह हो गई, उठने का समय हो गया, जबकि असल में तो रात होती है, और इसी वजह से हमारा सर्कैडियन रिदम बिगड़ता है और स्लीप क्वालिटी पुअर हो जाती है। इसके अलावा रात को ओवर ईटिंग करना, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन एक्सेट्रा भी आपके सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ता है। सो इन्हें कंट्रोल में रखना अच्छी स्लीप के लिए बिगेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अच्छी स्लीप लेने का और तेज सोने का एग्जैक्ट साइंस मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो उसके लिए थोड़ा सा जस्ट वेट। उससे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज स्लीप
जानलेवा बीमारियों को ट्रिगर कर सकती है। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखें। ये कुछ चूहों के ब्लड आर्टरीज के इमेजेस हैं, जिन पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने एक जॉइंट रिसर्च की थी। इनमें से फर्स्ट वाली इमेज उन चूहों के नसों की है जिन्हें ठीक से सोने दिया गया था, और सेकेंड वाली इमेज उनकी है जिन्हें 16 हफ्तों तक ठीक से सोने नहीं दिया गया था। इनमें आप क्लियरली देख सकते हो कि सेंटर में एक गाढ़ा प्लैक फॉर्म हो गया है, जो कि फर्स्ट वाले में तो कम है लेकिन सेकेंड वाले में ऑलमोस्ट पूरे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि ये आखिर हुआ क्यों? वेल, क्योंकि लगातार डिस्रप्टेड स्लीप से WBCs के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हिप्पोक्रेटिन हार्मोन का लेवल एबनॉर्मली ड्रॉप हो जाता है, और इससे हद से ज्यादा WBCs बनने लगते हैं जो नसों को ब्लॉक कर देते हैं। जी हाँ, दैट्स राइट, अनफॉर्चुनेटली वो प्लैक हमारे ही WBCs से बना हुआ प्लैक है जो एक्यूमुलेट होके नसों को ब्लॉक करता है और फिर हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। 2011 के कैंसर जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ रिवीलिंग कि कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सोने से कैंसर, स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 50% से बढ़ जाता है। ये रिस्क बिल्कुल उतना ही रिस्क है जितना रिस्क जिस इंसान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे पेरेंट या भाई बहन को अगर कैंसर हुआ तो उसे होता है। अब इसके पीछे का मेन रीजन है शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन कैंसर का वन ऑफ द मेजर कॉज है। लैक ऑफ स्लीप आपके शरीर में हर किस्म का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और इसके कुछ सिंपल इफेक्ट्स तो मुंह में छालों के रूप में ही दिखने लग जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि ये अंदर ऑर्गन्स को कैसे डैमेज कर रहा है। इसी वजह से कई लोगों को चेहरे पर एक्ने भी फूटने लगते हैं या हेडेक्स वगैरह होने लगते हैं। अब मर्दों के लिए तो एक और एक बैड न्यूज। एक रिसर्च में पाया गया कि एक यंग हेल्दी एडल्ट सिर्फ एक हफ्ते भी अगर लगातार 5 घंटे से कम सोए ना तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी उसके सेक्स हार्मोन की मात्रा करीब 10-15% से ड्रॉप हो जाती है, जबकि नेचुरल एजिंग से ये लेवल पर ईयर सिर्फ 1% से ही ड्रॉप होता है। अब टेस्टोस्टेरोन को फाउंटेन ऑफ यूथ बोला जाता है, और ये भी एक वजह है कि आजकल जवान मर्द कम उम्र में ही इम्पोर्टेंट होते जा रहे। तो फिर क्या हुआ है मुदित, बताओ तो सही। अब जो भी लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं या अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी एक बैड न्यूज। अभी रिसेंटली रिसर्च में देखा गया कि सिर्फ 4-5 दिन कम सोने से लिवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी करीब 25-30% से घट जाती है, जो एक्सेसिव वेट गेन और type 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। प्लस आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपने ठीक से सोया नहीं होगा उस दिन आपका खुद का कंट्रोल खुद पर कम हो जाता है और आप बहुत सारे फूड क्रेविंग्स का शिकार बन जाते हो। आपके शरीर का फूड क्रेविंग हार्मोन ग्रेलिन और सैटिस्फाई फील कराने वाला हार्मोन लेप्टिन, जो हर रात नेचुरली रीसेट और रेगुलेट होते हैं, वो डिसरप्टेड स्लीप से प्रॉपरली रीसेट नहीं हो पाते और डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग मचने लगती है और अल्टीमेटली इंसान ओवरवेट हो जाता है। So, अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो कि नींद को प्रायोरिटी हर हाल में बनाना ही चाहिए, वरना इसके बिना हमारी हेल्थ, हमारा परफॉर्मेंस, सब कुछ खोखला ही रह जाएगा। और इसीलिए चलिए अब मिलकर साइंटिफिकली हमारे स्लीप को लाइफ टाइम के लिए सुधारते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्लीप के स्टेजेस को समझना होगा, जिसे फिर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो इसे ध्यान से सुनना। दरअसल हमारी नींद 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, 3 नॉन रेम स्टेजेस और 4th रेम स्टेज होता है। सिंपल है, साइंटिस्ट इन्हें ऐसे कैटेगराइज करते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें बेसिकली सोते वक्त आपकी आंखें हर कुछ समय में इधर उधर मूव कर रही होती है, और नॉन रेम स्टेज यानी आपकी आंखें एक ही जगह पर स्टेबल होती है। अब इनमें से सबसे ज्यादा 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है नॉन रेम का 3rd स्टेज, जिसे हम सिंपली डीप स्लीप स्टेज भी कहते हैं, और दूसरा है रेम स्टेज, जिसमें हमें सपने दिखाई देते हैं। अब सिर्फ ये 2 स्टेजेस ही आखिर क्यों? वेल, दैट इज बिकॉज इनमें से जो डीप स्लीप वाला स्टेज है उसमें हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसकी हार्ट रेट, BP, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ग्रोथ, ये सब का रीसेट और रिपेयर वर्क चलता है। और रेम स्टेज में हमारे सारे मेंटल प्रोसेसेस, जैसे डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इमोशंस को हैंडल करने वाला सिस्टम, मेमोरी को कंसोलिडेट करने वाला सिस्टम, इन सब का रीसेट और रिपेयर वर्क चलता है। सो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप सोने जाते हो आप सीधे नॉन रेम स्टेज 1 में चले जाते हो, और फिर कुछ 10-15 मिनट बाद आप नॉन रेम स्टेज 2 में जाते हो, एंड देन फाइनली जैसे आपकी नींद गाढ़ी होती जाती है आप स्टेज 3 में एंटर करते हो, जो कि सबसे डीपेस्ट स्टेज होता है स्लीप का, जिसमें आपका ब्रेन सबसे लीस्ट एक्टिव डेल्टा वेव्स रिलीज कर रहा होता है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद ब्रेन वापस से स्टेज 2 में आता है, और फिर स्टेज 1
एंड फाइनली आप रेम स्लीप में आते हो। अब ये रेम स्टेज बिल्कुल वही स्टेज होता है जिसमें आप सपने देखते हो, जो 30 से 45 मिनट्स तक चलता है और फिर जाके आपके स्लीप का एक साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे ही नॉन रेम और रेम स्लीप के अराउंड 4 से 5 साइकिल्स हर रात कंप्लीट करना जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए। और अगर आप किसी भी वजह से इन साइकिल्स के बीच में अगर उठ जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन रेम स्टेज 2 पर एक फोन की घंटी आपको उठा देती है, तो आपके स्लीप का वो साइकिल वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से NREM स्टेज 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपका स्लीपिंग टाइम वेस्ट हो गया। और यही चीज एक्चुअल में डिटरमाइन करती है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आपके स्लीप साइकिल्स पूरी तरह से अनइंटरप्टेडली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो मैटर नहीं करता आप कितने भी समय क्यों ना सो रहे हो, आपकी नींद फिर भी कंप्लीट नहीं हुई होगी। और आप घंटों तक सोने के बाद भी ऐसा फील करोगे जैसे कोई ड्रंक इंसान फील करता है। सो अब हम पहुंच गए आज के इस वीडियो के प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, फास्ट, डीप और इन जनरल एक अच्छी क्वालिटी स्लीप आज के प्रॉब्लम्स और परेशानियों से भरे इस मॉडर्न लाइफ में आखिर कैसे मिल सकती है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ना एक अच्छे स्लीप का एकदम सिंपल है, एक ही बॉडी के सिस्टम को आपको बस एक्टिवेट करना होगा और बस उसी के अराउंड आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी बिल्ड करना होगा। सो हमारे शरीर में 2 मेजर सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी लेवल को रेगुलेट करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट का एग्जैक्ट उल्टा बॉडी को कूल डाउन और रिलैक्स होने का सिग्नल भेजता है और आपको एक रिलैक्स स्टेट में रखता भी है। अब अच्छी नींद का फंडा ना एकदम सिंपल है, सोने से पहले अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने से हर हाल में हमें रोकना है, यानी कि किसी भी हालत में स्ट्रेस हार्मोन्स जिसकी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को बॉडी में इंक्रीज होने से रोकना है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाना है जिससे फिर हम रिलैक्स स्टेट में आसानी से जा पाएंगे। अब यही एक सिंपल सा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पूरे स्लीप को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि रात को हमेशा सोने से 2 से 3 घंटे पहले ब्लू लाइट को कट करना चाहिए, दैट इज बिकॉज वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज करता है जो हार्मोन आपको दिन में जगाता है। आप येलो लाइट यूज कर सकते हो इंस्टेड, लेस पावरफुल और मच बेटर है। नंबर 2, सेम विद स्टिमुलेंट्स लाइक कॉफी, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं जिससे बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ता है एंड यू फील रेस्टलेस यानी रिलैक्स्ड का टोटल ऑपोजिट। इवन रात को लेट पेट भर के नहीं खाने को कहा जाता है बिकॉज वो डाइजेशन और ब्लड प्रेशर में स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है जो आपके रिलैक्स स्टेट को ब्रेक कर देगा। नंबर 3, इवन आप क्या थॉट सोचते हो उसका भी आपके ब्रेन के सिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत टेंशन ले रहे हो या पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो तो वो आपके दिमाग में वापस से स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करेगा और नतीजा यू वोंट बी एबल टू एंटर इनटू अ रिलैक्स्ड स्टेट। इनसोम्नियाक्स के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सो ऑल इन ऑल आप बेसिक समझ गए हो राइट, कि रात को आपको किसी भी हालत में खुद को एक स्ट्रेस फ्री, थोड़ा थका हुआ लेकिन रिलैक्स्ड स्टेट में लाना होगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप अपने आप को ऐसे स्टेट में रात को आसानी से कैसे डाल सकते हो, और फिर मैं आपको उस सीक्रेट मिलिट्री टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा जो आपको महज 5 मिनट में सुला देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। अपने सर्कैडियन रिदम को फिक्स करने के लिए मेक श्योर करें कि आपकी आंखों को दिन में हर रोज एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिल रही है, जैसे विंडोज के करीब या बालकनी में, या फिर आप 1 घंटा सीधा बाहर ही चले जा सकते हैं। दिन में स्ट्रॉन्ग सनलाइट आपके सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करेगी और रात में मेक श्योर करेगी कि आपको अच्छी स्लीप आए। नंबर 2, रात को सोने से पहले अगर आप फोन या कंप्यूटर यूज करते हो तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस यूज कर सकते हो। आप इवन फोन में आई कंफर्ट शील्ड या ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन होता है वो यूज कर सकते हो। अगर आपके फोन में बिल्ट इन ये फीचर नहीं है तो आप एंड्रॉइड या iOS मार्केट से कोई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो उसके लिए। बट याद रहे ब्लू लाइट को हर हाल में रात को अवॉइड करना है, ये हमारे सर्कैडियन रिदम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नंबर 3, रूम टेम्परेचर को कोल्ड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से। सोने के समय हमारा ब्रेन बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा होता है ताकि हम एक रिलैक्स्ड पावर सेविंग मोड में एंटर कर सके, और इसीलिए कोल्ड रूम टेम्परेचर जल्दी से नींद लाता है। नंबर 4, मॉडरेट टू हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसकी जॉगिंग या रनिंग करना, मॉडरेटली हैवी वेट्स को लिफ्ट करना बहुत ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड है हाई क्वालिटी स्लीप के साथ।
मेरे केस में भी इस अकेले फैक्टर ने मेरी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। बेसिकली एक्सरसाइज से आपका बॉडी फिजिकली एग्जॉस्ट भी हो जाता है, प्लस आपके बॉडी के अंदर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती है। फील गुड रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स जैसे एंडोर्फिन सेरोटोनिन आपका बॉडी सेक्रीट करता है एक्सरसाइज के बाद, और ब्लड प्रेशर को भी लो करता है। इन्फ्लेमेशन भी आपके शरीर में कम हो जाता है, जैसे ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम होता है। हजारों बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के, और रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि अच्छी स्लीप के लिए बेस्ट वर्कआउट टाइम है लगभग शाम के 8 बजे। नंबर 5, अगर आपको सीरियस स्लीप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उससे आपकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, तो आप मेलेटोनिन सप्लीमेंट लेना भी कंसिडर कर सकते हो। ये नेचुरल स्लीप हार्मोन है, बहुत अच्छा सेफ्टी प्रोफाइल है, और इसका 1 से 2 मिलीग्राम्स का डोज इनफ होता है जो आपको सोने से 30 मिनट पहले लेना होगा टू गेट गुड क्वालिटी स्लीप। बट फिर उसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि आपका ब्लू लाइट एक्सपोजर ना के बराबर हो रहा है, वरना आपका सप्लीमेंट बेसिकली वेस्ट हो जाएगा। एंड देन नंबर 6, लास्टली अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो ये भी आपके बॉडी को काम करने में बहुत हेल्प करेगा। अब ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, बेसिक जिस्ट आप समझ चुके हो कि आपको आपके बॉडी को रिलैक्स कराने में हेल्प करना है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करना है, एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू ट्राई दीज टिप्स ऑल बाय योरसेल्फ एंड सी कि आपके लिए कौन सा टिप वर्क करता है। इसमें एक हल्का सा ट्रायल एरर का विंडो होगा, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल बाय योरसेल्फ व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपका स्लीप स्केड्यूल क्या होगा, आपके चॉइसेस क्या होंगे जो आप अपने लाइफ में लेंगे अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए, और उन चॉइसेस के अराउंड आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे क्रिएट करोगे, ये आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट हार्ड एट ऑल, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक ऑन योर हेल्थ। एनीवे फ्रेंड्स, नाउ मूविंग फर्दर, अब सीखते हैं वो एक्सपर्ट मिलिट्री स्लीपिंग टेक्निक। दरअसल यूएस के एक ओलंपिक कोच और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बड विंटर ने वर्ल्ड वॉर टू के वक्त अपने यूएस नेवी के सोल्जर्स के लिए ये मेथड डेवलप किया था, जिससे वो सोल्जर्स गोलियों की आवाजों के बीच भी सिर्फ 5 मिनट में आसानी से सो पाते थे। ये टेक्निक कुछ ऐसी है, इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजिशन में लेटना होगा, और फिर डीप ब्रीदिंग की मदद से फोकस करके अपने चेहरे से लेकर अपने टो तक के सारे मसल्स को धीरे धीरे आपको रिलैक्स करना होगा। आपको ऐसा फील करना होगा कि आपका एक एक मसल अपने आप ढीला होते जा रहा है, आप उसे ढीला छोड़ रहे हो, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और वो रिलैक्स्ड फील कर रहा है। अब ये एक्टिविटीज आपके हार्ट बीट्स को स्लो करने लगेगी, और फिर आंखें बंद करके आपको अपने आसपास एक पीसफुल सी जगह इमेजिन करनी होगी, जैसे एक ठंडा सा घास से भरा हुआ मैदान, या फिर आप अपने लाइफ के सबसे हैप्पी मोमेंट को भी इमेजिन कर सकते हो, उसे विजुअलाइज कर सकते हो, एंड बस कुछ ही मिनट्स में आपको नींद आने लग जाएगी। बेसिकली इसके पीछे का साइंस ये होता है कि लॉन्ग ब्रीदिंग से हमारे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है वो हमारे अपर एब्डोमेन से टच होता है, उससे वहां पर मौजूद वेगस नर्व्स यानी हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाता है। हमारा ब्रेन फिर रिस्पॉन्स में इस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही जैसे आपको पता है हमारा ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट रेट्स कम हो जाते हैं, जिससे हमारा बॉडी रिलैक्स फील करने लगता है और हमें नींद आने लग जाती है। सो इस मेथड को आप भी ट्राई जरूर करना, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके लिए काम करता है कि नहीं। सो गाइस, इस वीडियो से मेरा मकसद बस यही था, आपको ये रियलाइज कराऊं कि ऑलमोस्ट वो सारी बीमारियां जिन्हें आप अवॉइड करना चाहते हो, हार्ट अटैक्स हो गया, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, वो सब कुछ लैक ऑफ स्लीप से ही लिंक्ड है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके लाइफ का हैप्पीनेस इंडेक्स, आपके रिलेशनशिप्स और उनकी क्वालिटी, और आपका मेंटल हेल्थ, सब कुछ आपके नाइट के स्लीप पर ही डिपेंडेंट है। मगर हम लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले अपने स्लीप को ही सैक्रिफाइस करते हैं। नाउ आफ्टर दिस वीडियो दिस शुड नॉट बी द केस। साइंस हमें नॉलेज देता है जिससे हम अपनी लाइफ को एम्पावर कर सकते हैं फॉर द बेटर, लेकिन एक्शन लेना, प्रायोरिटी बनाना और डिसिप्लिन से स्टिक करना आपके हाथों में ही है। एंड विद दैट सेट, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी स्लीप के इंपॉर्टेंस को समझे और अपने हेल्थ को एम्पावर कर सके। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे फिट एंड टेक केयर। जय हिंद।